द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग युआन चेंडू से कहते हैं, युआन चेंडू चलो लड़ते हैं। टियानमिंग के सामने युआन चेंडू का लाइफ बॉन्ड बीस्ट होता है। टियानमिंग अब हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। युआन चेंडू अपनी जगह पर खड़ा रहता है एंड टियानमिंग से कहता है, चलो मैं ध्यान से देखता हूँ कि तुम कितने फ्लेक्सिबल हो। ये सबसे अच्छा मनोरंजन होगा जो तुम मरने से पहले मुझे दे सकते हो। अब टियानमिंग अपनी वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक को इस्तेमाल करता है। फीनिक्स भी स्वॉर्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। ये देखकर युआन चेंडू कहता है, ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है वो छोटी सी मुर्गी भी तुम्हारे जैसे सेम स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी ये हेवनली विल के सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये अटैक काफी कमजोर है। अब तभी जेनेसिस अपनी क्योस वॉल्ट बॉल को इस्तेमाल करता है। युआन चेंडू अपने बीस्टल वेपन को पकड़ता है एंड कहता है, मैं इस मौके को खुद को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। हेवनली एलिसियम में लड़ने से पहले मुझे तुम्हारी तरह कोई और अपोनेंट नहीं मिलेगा। अब युआन चेंडू अपनी डार्क स्वॉर्ड हेल ब्लेड को इस्तेमाल करता है। युआन चेंडू का ये हमला सिंपली टियानमिंग के हमले से काफी ज्यादा गुना ताकतवर होता है। टियानमिंग पहले प्रिंसेस फीलिंग को की वॉल टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। टियानमिंग युआन चेंडू के हमले को देखकर कहता है, हम दोनों के बीच के स्किल का डिफरेंस जो है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। युआन चेंडू का हमला टियानमिंग पर जाकर लगता है, एक धमाका होता है। ऑडियंस ये देखकर कहती है, ये काफी ज्यादा ताकतवर था, क्या टियानमिंग अभी जिंदा भी है? ठीक से देखने पर उन्हें पता चलता है कि अभी भी टियानमिंग नहीं मरा है। टियानमिंग खांसता है। टियानमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड को भी इस अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल किया होता है, लेकिन उसके बाद भी इस हमले का इम्पैक्ट टियानमिंग पर पड़ता है। टियानमिंग खुद से कहता है, अगर मेरे पास मेरा ब्लैक हाथ नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। टियानमिंग खांसने लगता है। टियानमिंग की हालत खराब होती है। वो खुद से कहता है, ना केवल युआन चेंडू मुझसे हायर रियलम पर है बल्कि उसके बदले की भावना भी बहुत ज्यादा कड़ी है। वो हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। ये बैटल जो है वो जितने भी बैटल मैंने लड़ी है उनसे 100 गुना ज्यादा हार्ड है। अब टियानमिंग देखता है कि फीनिक्स एंड जेनेसिस मरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए वो उनपे चिल्लाकर कहता है, मरने का नाटक मत करो, तुम दोनों जल्दी से खड़े उठो। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग उसने स्पैटियल वॉल को तोड़ दिया, हम उसे नहीं हरा सकते। टियानमिंग कहता है, अगर हम उसे नहीं भी हरा सकते उसके बाद भी हमें उससे लड़ना होगा। अगर हम हार मान लेते हैं तो हमारी मौत पक्की है। सभी लोगों को उनके जीवन में एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें उन्हें स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ना पड़ता है। फीनिक्स एंड जेनेसिस तुम उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट उस टाटोई से लड़ो। ये सुनकर फीनिक्स कहता है, आखिर में तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग मैं हार को स्वीकार नहीं करना चाहती और ना मैं मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम स्पेशली ना मरो, हम सभी को जिंदा रहना होगा और यही मेरी ख्वाहिश है। क्या तुम्हें अबाइसल बैटलफील्ड की तुम्हारी और मू क्विंग क्विंग की लड़ाई याद है? हम अभी भी स्पिरिचुअल अटैचमेंट को यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर इस चीज को झेलूंगी। अब प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग के साथ स्पिरिचुअली अटैच होती है। स्पिरिचुअली अटैचमेंट की वजह से टियानमिंग की शक्ति बढ़ जाती है। टियानमिंग ये देखकर कहता है, जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट है वो ग्रेड 20 तक पहुंच चुकी है। युआन चेंडू ये देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो अचानक से ताकतवर बन गया, ये क्या हो रहा है? हालांकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब युआन चेंडू टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। फीनिक्स एंड जेनेसिस युआन चेंडू के लाइफ बॉन्ड बीस्ट पर हमला करते हैं। जेनेसिस युआन चेंडू के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से हेड ऑन फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। फीनिक्स जेनेसिस से कहता है, उसे हेड ऑन फाइट मत करो, हम उसे नहीं संभाल सकते हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आओ और अपनी एनर्जी को रिगेन करो। दूसरी ओर युआन चेंडू एंड टियानमिंग फाइट करते हैं। टियानमिंग बहुत ज्यादा मुश्किल से युआन चेंडू से हेड ऑन फाइट कर पाता है। टियानमिंग को अचानक से ताकतवर बनता देख ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं, ये तो स्ट्रांग है, ऐसा लगता है टियानमिंग एक अलग व्यक्ति बन चुका है, वो अब युआन चेंडू से हेड ऑन फाइट कर पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चीज तय नहीं है कि कौन जीतेगा, जैसे कि हमें जूनियर सेक्ट मास्टर से उम्मीद थी। दूसरी ओर जैसे ही क्विंगयू ये देखती है तो वो कहती है, हालांकि टियानमिंग मुश्किल से युआन चेंडू से लड़ पा रहा है, ये स्ट्रेंथ जो है वो शायद स्पिरिचुअल अटैचमेंट से आई होगी, लेकिन ये स्पिरिचुअल अटैचमेंट ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टियानमिंग की एनर्जी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर कंपेयर किया जाए तो युआन चेंडू जो है वो इस फाइट को लड़कर और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा है। युआन चेंडू टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर कहता है, ये इंटरेस्टिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि टियानमिंग के पास और ज्यादा सरप्राइजेस होंगे। टियानमिंग को अभी मारना एक वेस्ट होगा। टियानमिंग इस फाइट को लड़ते हुए खुद से कहता है, ये कमीना मुझसे ऐसे लड़ाई कर रहा है जैसे कि अपने शिकार के साथ खेल रहा हो, ये मुझे आसानी से मार सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा, ये कॉन्फिडेंट है कि ये नहीं हारेगा।
अब तभी युआन शेंडू अपनी डार्क सोल हेल ब्लेड पगोड़ा को टियानविंग पर इस्तेमाल करता है। टियानविंग थोड़ा दूर जाके स्लाइड करता है एंड खांसता है। युआन शेंडू टियानविंग से कहता है, आखिर तुम्हारी एनर्जी कहाँ पर चली गई? ये सुन टियानविंग अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़कर युआन शेंडू से हेड ऑन फाइट करता है। युआन शेंडू टियानविंग से कहता है, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम ये भी नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ? मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे साथ खेलूंगा जब तक तुम नहीं मर जाते। लोग कहते हैं कि लीसेंट क्लैन के पास एक अनअवॉइडेबल फाइटिंग स्पिरिट है, एक ऐसा क्लैन जो मौत को पलटने के काबिल है। मेरे लिए डांस करो टियानविंग, इस दुनिया में सिर्फ जबरदस्त स्ट्रेंथ का ही कब्जा है, मौत को पलटने जैसी चीज यहाँ पर नहीं है। तुम्हारे अभी के बेमतलब के स्ट्रगल इस चीज को प्रूव करते हैं कि लीसेंट क्लैन एक मजाक है। दुनिया के अगेंस्ट जाकर किस्मत को चेंज करना ये सिर्फ बेवकूफों का ही सपना होता है। अब युआन शेंडू अपने बीस्टल वेपन से टियानविंग पे एक स्लैश मारता है जिसकी वजह से टियानविंग के मुंह से खून आता है। टियानविंग के बॉडी पर एक गहरा घाव होता है। अब टियानविंग को इस हमले से रियलाइज होता है कि उसे इस हमले से कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। टियानविंग खुद से कहता है, क्या मैं सपने देख रहा हूँ? मुझे इन अटैक से कोई भी दर्द नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये कमीना मुझ पर आसान जा रहा हो। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग टियानविंग से कहती है, टियानविंग ये प्राइम टावर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, इसकी लाइट जो है वो आपको हील कर रही है। इस टावर के साथ अब हमें चेंडू के अटैक से डरने की जरूरत नहीं है। टियानविंग मैंने अभी ही एक नई एबिलिटी को अवेकन किया है। ये सुन टियानविंग कहता है, वो कौन सी एबिलिटी है? प्रिंसेस फीलिंग टियानविंग से कहती है, मेरी फिफ्थ एबिलिटी जो है उसका नाम सोल बर्न है। ये स्पिरिचुअल अटैचमेंट की तरह ही है लेकिन इसे एनिमी पर यूज किया जाता है। ये एबिलिटी हमारे ओपोनेंट के बीस्ट को जलाकर काफी हद तक खत्म कर सकती है और ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा कमजोर कर सकती है। ये सुन टियानविंग कहता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है लेकिन इसके अलावा इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, है ना? प्रिंसेस फीलिंग कहती है, हाँ, एक बार अगर इसका इस्तेमाल हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी स्पिरिचुअल फॉर्म में सोना होगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए होगा। अच्छी बात यह है कि मेरे पास इसके लिए एक सूटेबल वेसल भी है जिसके अंदर मैं सो सकती हूँ और वो है तुम्हारा दिया गया नेकलेस। मुझे पक्का पता है कि ये एबिलिटी मुझे चोट नहीं पहुँचाएगी जब तक तुम उस नेकलेस को प्रोटेक्ट करोगे और मेरे उठने का इंतजार करोगे। टियानविंग ये सुनकर कहता है, मैं उस नेकलेस को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम कब तक के लिए गायब रहोगी? प्रिंसेस फीलिंग कहती है, तुम चिंता मत करो, लगभग एक महीने के लिए। इतने समय के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी लेकिन कोई बात नहीं, इसकी वजह से कम हम जिंदा रह सकते हैं। टियानविंग, एक बार अगर मैं सोल बर्न इस्तेमाल कर लूं, तो मैं गायब हो जाऊंगी। मुझे उम्मीद है जब मैं जागूंगी तब मैं तुम्हें आज से ज्यादा स्ट्रांग देख पाऊं। ये सुन टियानविंग की आंखें भर आती हैं एंड वो उसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना प्रिंसेस फीलिंग, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं हम लोगों को इस सिचुएशन में नहीं डालूंगा जहाँ पर तुम्हें इस एबिलिटी को दोबारा इस्तेमाल करना पड़े। तुम्हारा शुक्रिया प्रिंसेस फीलिंग। दूसरी ओर युआन शेंडू अपने लास्ट मूव को टियानविंग पर करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रिंसेस फीलिंग को टियानविंग कहता है, प्रिंसेस फीलिंग अभी सोल बर्न को इस्तेमाल करो। प्रिंसेस फीलिंग स्पिरिचुअल फॉर्म में सोल बर्न टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए युआन शेंडू के बॉडी के अंदर जाती है। युआन शेंडू हमले को बंद कर खुद से कहता है, आखिर मेरी बॉडी के अंदर क्या गया? टियानविंग, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।